गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से वेलकम। तो देखिएगा बच्चों, कल मैंने आपको एक्सपोनेंशियल पावर की कुछ डिफाइन कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। आई होप आपने वो रिवाइज कर लिए होंगे। देखो बच्चों, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 2 की पावर -4 ऐसा कुछ एग्जाम्पल था, उसको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना। तो आई होप आपने कर लिया होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। देखो, ये जो 2 की पावर -4 है, ये किस फॉर्म में है? a की पावर -1 जैसे है। मैंने आपको बताया था a की पावर -1 क्या होता है, 1/4 होता है। ऐसे ही 2 की पावर जो -4 है वो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। और 1/2 की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 4 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 × 2 = 4 × 4 = 8 × 8 = 16 1/16 ये आएगा इसका आंसर। शायद मैंने आपको 4 की पावर -3 दिया होगा, इसको आप 1/4 की पावर 3 ले सकते थे। 4/4 × 4 × 4 तो 1/64 इज द राइट आंसर। ओके, एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया था, x² y की पावर 4 की पावर 3 ऐसा कुछ दिया था। इसको आप कैसे करते हैं, देखो ये है, इसको एक वेरिएबल मान लो, इसको एक वेरिएबल मान लो। अब देखो, इसकी पावर 3 करनी है हमें, तो x² इसकी पावर 3 × y² की पावर 3। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया, x² (2)³। मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, a की पावर m (a)(a)(n) मतलब पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इजी है, ये क्या हो जाएगा, x^6 (2^6) और मल्टीप्लाई y^6, तो ये हो जाएगा x^6 y^6 इज द राइट आंसर। ओके चलो, तो आज की क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं हम। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 8^-4 एज ए पावर विद द बेस 2। क्या है, देखो बच्चों, 8^-4 को बेस 2 की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा क्या होगा, जैसे मान लो 8^ क्या है, -4 है। 8^-4 को अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1/8^4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। अब देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/8 × 8 × 8 × 8 लिख सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, 1/ इस 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसी प्रकार मैं इस 8 को भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 इसी प्रकार 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख दिया मैंने। अब देखो, 2 कितने टाइम्स हो गए, 3 कितने टाइम्स हो गए, 12 टाइम्स। अब तो क्या हो गया, ये 1/2 की पावर 12। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा वापस, तो ये क्या हो जाएगा, 2^-12 इज द राइट आंसर। देखो बेस 2 हो गया है इसका, इसने पूछा है बेस 2 होना चाहिए, तो मैंने इसको बेस 2 के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है 3^6 / 3^8 / 4 मल्टीप्लाई 3^-4। देखिएगा, 3^6 / 3^8 इसकी होल पावर 4 और मल्टीप्लाई 3^-4। कल मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी लिखवाई थी, क्या होती है, a^m (a)(n) = a^m - n। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3^6 - 8 और इसकी होल पावर 4 इंटू 3^-4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, इसमें से 6 में से 8 माइनस करना है, 3^-2 बचेगा, 4 इंटू 3^-4 पावर की पावर, तो 2 × 4 = 8 3^-8 मल्टीप्लाई 3^-4। अब देखिएगा बच्चों, फिर से बेस सेम है, और बेस सेम होता है तो मैंने कल बताया था पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, a^m (a)(m) = a^m + n ये कल बताया था मैंने आपको, तो ये सिचुएशन यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, 3^
माइनस एट प्लस माइनस फोर, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस 12 इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन घर से करना है, ये आपका होमवर्क है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ओके बच्चों, बाय।